टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में योगदान को घटा दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और एम्प्लायर का ईपीएफ में योगदान बेसिक सैलरी का 12% होता है, लेकिन सरकार ने इसको घटाकर अब 10% कर दिया है। हालांकि यह अगले 3 महीने तक ही होगा, यानी जून, जुलाई और अगस्त के लिए ये मान्य है। सरकार के इस फैसले से नौकरी वालों की जेब में ज्यादा कैश तो आएगा, लेकिन पीएफ के रूम में पैसों की बचत ज्यादा नहीं हो पाएगी, खासकर तब जब ईपीएफ पर ब्याज दर एफडी से ज्यादा है। इस स्कीम का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत कवर नहीं होते हैं। इस घोषणा का फायदा 6.5 लाख एम्प्लॉयर और करीब 4.3 करोड़ एम्प्लॉय को होगा। सरकार का मानना है कि इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को अगले 3 महीनों में 6,750 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएफ को लेकर जो घोषणाएं की गई थी उसे भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब पहले राहत पैकेज की घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी में 100 से कम कर्मचारी है और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, ऐसी कंपनियों में 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लायर का हिस्सा अब सरकार देगी। उस समय सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि 31 मई 2020 तक सरकार का हिस्सा जमा करेगी। सरकार यह हिस्सा जमा करेगी। अब इसे जून, जुलाई और अगस्त महीने के लिए भी लागू कर दिया है। इससे करीब 3.67 लाख एम्प्लॉयर और 72.22 लाख एम्प्लॉय को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इससे करीब 2500 करोड़ की ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, यानी सरकार अगले 3 महीनों तक 15,000 रुपए से कम वेतन वालों का पीएफ खुद जमा करेगी। देश, दुनिया और सरकार के हर अपडेट के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।